अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आज आपको सिखा रही हूँ चॉकलेट चिप्स कुकीज़ ना। तो इसमें हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो बता रही हूँ मैं आपको कि इसमें हमने 2 कप जो लिए हैं वो मैदा लिया है। मेरे पास सेल्फ रेजिंग फ्लावर है, तो अगर आपके पास सेल्फ रेजिंग फ्लावर नहीं है, प्लेन मैदा है, प्लेन फ्लावर है, तो आप इसके अंदर 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर मिक्स करके, अगर बेकिंग पाउडर नहीं है तो बेकिंग सोडा, दोनों में से एक चीज़ लीजिएगा, लेके इसके अंदर डाल के इसको किस चीज़ में आप छान लें। मैंने छान लिया है अपना, आप भी मुझे ऐड करेंगे उसके बाद छान लीजिएगा, लेकिन मेरे पास तो ये सेल्फ रेजिंग है तो इसमें ऐड हुआ है बेकिंग पाउडर। और हमारे पास ये मेरे पास 2 कप हैं, और आइसिंग शुगर है मेरे पास, ग्राइंड शुगर ले लें, आइसिंग शुगर ले लें, 1 कप ग्राइंड शुगर है, 2 कप ये है, 1 कप ग्राइंड शुगर है, 1 अंडा है मेरे पास, 1 कप मैंने, 1 प्याली मैंने ये चॉकलेट चिप्स ले लिए हैं, पिंच ऑफ सॉल्ट है, और ये 1 टेबल स्पून इसमें मेरे पास एसेंस है, वनीला एसेंस, चॉकलेट के मोल्ड्स हैं, और ये कुकीज़ के, और ये चॉकलेट चिप्स हैं जो कि मैं ऊपर गार्निश के लिए रखी है, ये ऐड करेंगे बीच में, और ये गार्निश के लिए है। और ये हमारे पास बटर है, बटर हमने लिया है जी 6 टेबल स्पून्स, ये मैंने ये वाले टेबल स्पून्स लिए हैं, ये देख लें, ये वाले टेबल जो वो होते हैं मैदा, ये लिया है, और ये वाला टेबल स्पून्स लिए हैं, 6 टेबल स्पून्स जो है हमारे पास इसमें बटर है। अब मैं अपने बटर के अंदर अपनी शुगर जो है वो ऐड करती हूँ, शुगर डालते हैं, इसको मिक्स करते हैं, शुगर और बटर को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, फ्लफी हो जाएगी। अच्छा, अगर आपका बटर सॉल्टेड है तो आप सॉल्ट इसमें जो ऐड नहीं कीजिएगा, बीच में सॉल्ट नहीं डालिएगा, अगर आपका ये सॉल्टेड है बटर, अगर बटर सॉल्टेड नहीं है तो फिर आप इसमें 1-2 चुटकियाँ नमक की डाल सकते हैं। तो अब हमने इसको बीट कर लिया, बीट करने के बाद मेरे पास जो अंडा है एक, ये मैं डाल रही हूँ, वनीला एसेंस चला गया इसमें, अब थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें अपना ये मैदा जो है हमारे पास, थोड़ा थोड़ा करके 2-2 चम्मच करके इसमें हम अपना ये मैदा डालते हैं। मैं 2 कप का बना रही हूँ, 2 कप में मैंने बटर लिए हैं 6 टेबल स्पून। अगर आप इससे कम बनाएं तो इसी क्वांटिटी को मतलब हाफ कर दीजिए, कर देंगे तो वैसे ही वो आएगा, कम कर दीजिए, आधा कर देंगे तो 1 कप में आधा डाल दें, हमने इसमें थोड़ा सा मैदा डाल दिया, बाकी का मैदा डालते हैं। आपका मेसी हो जाता है ऐसे कामों में, तो मगर इंजॉय करते हैं, बनाने में मज़ा भी आता है। आप ये देखें, मैंने चॉकलेट चिप्स जो हैं वो मैं इसमें डाल रही हूँ, अपने चॉकलेट
चॉकलेट चिप्स डालने के बाद इसको मिक्स करते हैं। मशीन चॉकलेट चिप्स डालने के बाद नहीं चलाइएगा, उससे ये होगा कि आपके चॉकलेट चिप्स जो हैं सारे उसमें मेल्ट ना हो जाएं। अगर चलाना चाहें तो बस एक आध झटका उसको दे के बस एक सेकंड तो उसको बंद कर दें, लेकिन वैसे ऐसे सही है। ये देखें हमारा डो रेडी है इसका, चॉकलेट चिप्स का इस तरह का होना चाहिए। अब इसको हम अपनी ट्रे पे लगाते हैं। ये देखिए मैंने अपना काउंटर जो है ये साफ़ कर लिया है। काउंटर साफ़ करने के बाद आप इसके ऊपर ऐसे डालें, वरना कुकीज़ का वो आइसक्रीम कुकीज़ का ये लेके आप इसके अंदर ये देखें इसमें निकाल के इस तरीके से निकाल के और इस तरह ही इसके ऊपर आप डाल सकते हैं। ये आपके ऐसे कुकीज़ बन जाएंगे। लेकिन मैंने ऐसे करने के बाद काउंटर अपना साफ़ कर लें। काउंटर साफ़ करने के बाद आप इससे मैंने कटिंग करा, कटिंग करने के बाद लेवल बराबर कर दिया आपने। इसके ऊपर हाथ मारेंगे तो ये लेवल बराबर हो जाएगा इसका, और इसको आप यहाँ रखते हैं। ठीक है, इसी तरह हम दूसरा करते हैं। ऐसे करने के बाद काट लें ऊपर से, फिर मैं इसको भी ऐसे ही उठा के यहाँ रख देती हूँ। उससे ये हो रहा है कि देखें आपकी शेप अच्छी आ रही है। सारा ये भी मैं आपको दिखाऊंगी जो हमने इस तरीके से किया है, ये भी सारा सेट हो जाएगा इसी में। इसको यहाँ रखते हैं, थोड़ा सा गैप देके रखिएगा, उससे ये होगा कि जब आपके कुकीज़ बढ़ेंगे फैलेंगे तो वो उनको स्पेस मिले। ठीक है, इसी तरह हम सारे अपने कुकीज़ लगाते हैं। ये देखिए मैंने इसके ऊपर ना ग्रीस कर लिया था। ग्रीस करने के बाद मैंने नीचे से और इसके ऊपर बटर पेपर लगाया, बटर पेपर को भी मैंने ग्रीस कर लिया है। तो इसके ऊपर हमने ये बटर पेपर बिछा दिया है, ये मैंने इस पर लगा दिए हैं। अब ऐसा करते हैं कि इसके ऊपर थोड़े थोड़े से चॉकलेट चिप्स जो हैं हमने बीच में भी ऐड किए हैं, और बाहर से भी ऊपर भी गार्निश के लिए ज़रा से आपके अच्छे लगेंगे। इसके ऊपर लगा देते हैं, तरीके से सारों पे थोड़े थोड़े से डाल दें ताकि बच्चे भी शौक से खा लेंगे। और ये देखें इस तरह सारे कुकीज़ को इस तरह सारे पे लगा लेते हैं। लगाने के बाद ही मैंने ट्रे में निकाल लिए हैं, और इसको फिर हम अपने ओवन में 180 डिग्री पे 15 मिनट के लिए रख देती हूँ मैं। मेरा जो ओवन है प्रीहीट हुआ हुआ है, मैंने 15-20 मिनट पहले उसको ऑन कर दिया था, तो उसके बाद फिर ये कि फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे हुए। हाँ जी, देखिए मेरे कुकीज़ रेडी हो गए। ये 2 कप के अंदर हमारे 20 कुकीज़ बने, 20 कुकीज़ बन गए हमारे चॉकलेट के। अभी बहुत गर्म है इस वजह से मैं इसको हाथ नहीं लगा रही हूँ, वरना ये ऐसे ऊपर हम करेंगे ना ये बटर पेपर तो ये बाहर निकल आएंगे। लेकिन अभी ज़रा से ठंडे हो जाएं तो फिर हम इसको निकालते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। गर्म में आप निकालेंगे क्योंकि अभी सॉफ्ट हुए हुए होते हैं, जब ये ठंडे होंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे। अभी ये बहुत सॉफ्ट है, तो जब ये मतलब मेरे पूरे ये 15 मिनट से लेके 20 मिनट का टाइम दिया था मैंने। कभी 15 मिनट, ये तो आपके ओवन पर डिपेंड करता है कितनी देर लगे, तो कभी 20 मिनट में भी रहता है, कभी 15 मिनट में भी हो जाता है रेडी। तो ये बस इसी तरीके से बटर पेपर लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आप ये एक साथ सारे मेरे कुकीज़ उठ जाएंगे ना, कि चिपकेंगे नहीं। ये देखें गरम है, ये वो वाला कुकी है जो मैंने आइसक्रीम स्कूप से डाला था, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। देखें आप कि ये भी उसी शेप में आया है जैसे मैंने, और ये नीचे से इस तरह के आए। ठीक है, ये गर्म है तो इस वजह से मैं ज़्यादा हाथ नहीं लगा रही हूँ। 5 मिनट ज़रा सा
ये ठंडा हो जाए, तो बल्कि अगर वो है आपके पास कोई रैक है तो उसके ऊपर आप उसको निकाल के ठंडा करके फिर किसी कंटेनर में भर के रखिएगा। गरम गरम मत रख दीजिएगा, उससे क्या होगा कि ये सील जाएंगे। जब तक ये ड्राई ना हो जाए, आपको लगेंगे अब हार्ड हो गए, क्रिस्पी हो गए, तो उसके बाद आप इसको ये इजीली, ये देखें ऐसे ऐसे आ जाएंगे। ये देखें, ये कुकीज़ निकल लिया मैंने, और स्पेस दे के रखिएगा। स्पेस देंगे तो उससे ये होगा कि ये फैलेंगे तो वो फंसेंगे नहीं बीच में। मैं तो ज़्यादा बना के ही रखती हूँ क्योंकि बच्चे मेरे बहुत शौक से खाते हैं ये चॉकलेट चिप्स के। इसमें आप जितनी चॉकलेट डालना चाहें डालें। ये देखें, छोटे बनाना चाहते हैं छोटे बना लें, ये देखें, और पीछे से भी देखें कैसे अच्छे आए कलर। ये आपके कुकीज़, और इसको अगर और डार्क ब्राउन करना चाहते हैं तो आप इसको बेक ज़्यादा देर कर लें, लेकिन मैंने इतना ही सही है क्योंकि थोड़ी देर में अभी खुद ही क्रंची हो जाएंगे। और एक के ऊपर ना रखिएगा, एक जब तक ठंडे ना हो एक दूसरे के ऊपर ना रखिएगा। जैसे हम यूँ रख देते हैं ना बाजी टाइम निकाल निकाल के, तो ये सही नहीं है। वो क्या होगा उसकी स्टीम से ये सॉफ्ट हो जाएगा। पहले आप इन सबको कूल डाउन करिएगा, जब सारे ठंडे हो जाएँ उसके बाद किसी कंटेनर में भर के रखें। मैं ये बाकी भी ठंडे हो जाएंगे तो वो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ इसमें। हाँ जी, ये देखें मैंने सारे ट्रे में निकाल लिए हैं चॉकलेट चिप्स कुकीज़ जो हैं, तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। ये देखें इसमें ना हमने बेकिंग पाउडर डाला है ना कुछ डाला है, मगर आप इसका देखें साइज़ कितना बड़ा है, ये फैल के इतना बड़ा, और नीचे से ऐसे हैं। और जितने ये ठंडे होते जाएंगे क्रिस्पी, जब ठंडे हों तो इनके ऊपर एक दूसरे के ऊपर रखिएगा। पहले उसको किसी स्टैंड पर रखें ताकि ठंडे हो जाएँ, फिर उसके बाद आप इसको एक दूसरे के ऊपर रख देंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर शुरू में ही अगर रख देंगी ना तो वो नरम हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, कुरकुरापन ख़त्म हो जाएगा उनका। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपका मैदा, मैंने आपको बता दिया है कि अगर मैदे में सेल्फ रेजिंग फ्लावर नहीं है तो उसके अंदर एक टेबल स्पून आप इसमें सोडे का डाल दें, या फिर एक टेबल स्पून इसमें बेकिंग पाउडर, दोनों में से एक चीज़ डाल सकते हैं। तो और अगर सेल्फ रेजिंग फ्लावर है तो आप फिर इस तरह बनाएंगे, तो देखें बगैर उसके ही बेकिंग पाउडर के इतने बड़े बड़े बन गए। तो मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।